नमस्कार, जय श्री राम। मैं दीपेंद्र तिवारी, ज्योतिषाचार्य, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल होराशास्त्र एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे विवाह विलंब से क्यों होता है। ऐसे कुंडली में कई योग होते हैं जिसके कारण व्यक्ति के विवाह में देरी हो जाती है। आपने देखा होगा, व्यक्ति का विवाह कन्फर्म हो जाता है, तारीख निकल जाती है और विवाह टूट जाता है। तो ऐसे कुंडली में योग होते हैं जिसके कारण विवाह टूट जाता है, विवाह देरी से होता है। व्यक्ति 30 वर्ष, 40 वर्ष और 45 वर्ष का हो जाता है तब भी व्यक्ति का विवाह नहीं होता है, और जब 40 वर्ष, 45 वर्ष का हो जाता है इसके बाद विवाह होता है, तो इसके भी ज्योतिषीय योग होते हैं। आज हम इसी के बारे में आपको छोटी सी जानकारी देंगे। अगर आपकी कुंडली में यह योग होंगे तो आपका विवाह भी निश्चित ही देरी से होगा या हुआ होगा। अगर आप किसी की कुंडली में देखें तो आप इन योगों को जरूर देख लें, जिससे आप सही जानकारी ले सकें और दे सकें कि आपके विवाह में देरी क्यों हो रही है, और उन ग्रहों से संबंधित अनुष्ठान जाप करके आप विवाह को संपन्न करा सकते हैं। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे गुरुजी से जो हमें प्राप्त हुआ है ज्ञान, उसी को आपको देंगे, उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। हमने ऐसे कई सूत्र तैयार किए हैं जिससे विवाह में देरी होती है, उसी सूत्रों को हम आपके सामने रखेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा तैयार किए गए सूत्र आपको पसंद आएंगे। तो मित्रों, सबसे पहले तो विवाह का कारक होता है, जो विवाह का भाव होता है वो सप्तम भाव। तो सप्तम भाव को देखना चाहिए कि सप्तम भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है और कौन कौन से ग्रह विराजमान हैं। और शादी का जो कारक होता है वो होता है शुक्र। अगर आपकी कुंडली में शुक्र किसी भी प्रकार से पीड़ित होगा तो आपके विवाह में देरी जरूर होगी, और सप्तम भाव भी अगर पीड़ित होगा तो भी विवाह में देरी होगी, और सप्तमेश भी पीड़ित होगा तब भी विवाह में देरी होगी। यह हैं कुछ सूत्र। अब हम आगे और चर्चा करेंगे कि किन किन योग से विवाह में देरी होती है। तो मित्रों, सप्तमेश पाप प्रभाव में हो तो विवाह में विलंब होता है। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि हो तो भी विवाह में विलंब होता है, और शनि सप्तमेश होगा तब विवाह देरी से नहीं होगा, विवाह जल्दी हो जाएगा। सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि हो तब भी विवाह में विलंब होता है। गुरु अथवा सप्तमेश पर किसी पापी ग्रह का प्रभाव हो तब भी विवाह में विलंब होता है। सप्तमेश और गुरु किसी त्रिक भाव में स्थित हो तो भी विवाह विलंब से होता है। त्रिक भाव होता है 6, 8, 12। सप्तम भाव पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो और कोई पापी ग्रह बैठा हो सप्तम भाव पर, तब भी व्यक्ति के विवाह में विलंब होता है। सप्तमेश और गुरु पाप कर्तरी में हो तब भी व्यक्ति के विवाह में विलंब होता है। शनि और मंगल दूसरे चौथे भाव में हो तो भी व्यक्ति के विवाह में विलंब होता है। बकरी शुक्र भी विवाह में देरी करवाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली मांगलिक हो तब भी उस व्यक्ति का विवाह विलंब से होता है। चतुर्थ भाव पर 3 पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो भी व्यक्ति के विवाह में देरी होती है। चंद्र 2 पाप ग्रहों से पीड़ित हो यानी पाप कर्तरी में हो तब भी व्यक्ति के विवाह में देरी हो जाती है। लग्नेश का 2द्वादश भाव में स्थित होना विवाह में देरी करवाता है। पुरुष की कुंडली में शुक्र 2 या 2 से ज़्यादा पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो उस व्यक्ति के विवाह में विलंब हो जाता है। सप्तमेश और अष्टमेश का राशि परिवर्तन हो जाए
तब भी व्यक्ति के विवाह में देरी हो जाती है। मंगल और शनि पहले भाव या सप्तम भाव में स्थित हों या आमने सामने बैठे हों तो भी व्यक्ति के विवाह में विलंब होता है। मंगल और शनि दूसरे भाव या अष्टम भाव में स्थित हों या आमने सामने हों तो भी व्यक्ति के विवाह में देरी हो जाती है। द्वादश भाव पर दो पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो विवाह में देरी हो जाती है। शनि कुंडली में अत्यधिक बलि हो तो भी विवाह देरी से होता है। तो मित्रों, यह थे विवाह विलंब से होने के कारण। हम आपको पुनः बता दें, सप्तम भाव, सप्तमेश और शुक्र यह विवाह के मेन कारक होते हैं। अगर आपका सप्तम भाव पीड़ित होगा या सप्तमेश पीड़ित होंगे, गुरु या शुक्र भी पीड़ित होंगे, तो विवाह विलंब से होगा। आप अपनी कुंडली में देखें आपका जो सप्तम भाव है, ऐसा तो नहीं कि सप्तम भाव किसी भी प्रकार से पीड़ित हो या सप्तमेश पीड़ित हो तो आपके विवाह में विलंब हो रहा है। अगर आपकी उम्र 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष हो गई है और अभी तक आपका विवाह ना हुआ हो तो आप अपनी कुंडली को चेक जरूर कर लें, कहीं ऐसा तो ना हो, ऐसा तो नहीं है कि आपकी कुंडली भी पाप पीड़ित है। अगर ऐसा है तो आप उन ग्रहों से संबंधित जाप अनुष्ठान करके अपनी कुंडली को सही करके और विवाह जल्दी हो सकता है। मित्रों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी मित्र इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उन मित्रों से निवेदन है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को और फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर संपर्क करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया विषय लेकर के। तब तक के लिए जय श्री राम।